हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन एडुकेशनल प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। ये अनअकैडमी का अनअकैडमी यूपीएससी यूट्यूब चैनल है और अनअकैडमी यूपीएससी पर आप डेली सुबह मेरे साथ देखते हैं डेली करंट मास्टर सीरीज। डेली करंट मास्टर सीरीज में हम प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे मुद्दों को डिस्कस करते हैं, टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। आइए फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये डीएनए का सेशन और बात करते हैं काफ़ी सारी। बट उससे सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, चूँकि आप लोग चैट बॉक्स में रोज़ काफ़ी सारी चैट्स करते हैं, तो मुझे ध्यान आया कि आज आपसे वॉल्ट डिज्नी की ये बात ज़रूर शेयर की जाए। वॉल्ट डिज्नी साहब कहते हैं कि बेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड इज़ टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। सो आई होप यू स्टार्टेड डूइंग सून, है ना, एंड यू क्विट टॉकिंग टू सून। विद दिस लेट्स से अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास, है ना। सबसे पहले क्लास को शुरू करते हैं। तो गाइज, आज है 26th of May, है ना। प्री और मेन से रिलेटेड कंप्लीट कवरेज के लिए आप इस क्लास को रेफर कर सकते हैं, डेली होता है ये। रैम्प इज़ द अप्रोच दैट वी फॉलो, है ना, और कंटेंट हमारा मेन फोकस है यहाँ पर, है ना। कंटेंट हमारा मेन फोकस है, रोज़ मैं आपको PDF भी देता हूँ। सबसे शानदार कंटेंट के लिए ये क्लास आप याद रखेंगे, है ना। प्री के लिए भी बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिलेगा, आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और मेंस आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे आपको बहुत शानदार कंटेंट मिलता है। तो यू विल बी गेटिंग इट हियर एंड यू विल बी एम्पावर्ड फॉर श्योर। दिस इज़ द शेड्यूल दैट वी फॉलो। सुबह 10 बजे अपनी करंट मास्टर सीरीज की क्लास होती है, शाम को 7 बजे आर्ट एंड कल्चर की, और 8:30 बजे रात में संकल्प की क्लास होती है, है ना। ये दोनों क्लास यूट्यूब पर होती है और ये क्लास होती है हमारे अनअकैडमी ऐप पे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको इन सभी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। तो दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल दुर्गेश नंदन सर अनअकैडमी, है ना। तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहिए, और ये वाली जो क्लास है 8:30 वाली, इसमें अगर आप नए हैं तो आपको लिंक पे क्लिक करने के बाद पूछेंगे इन्वाइट कोड बताइए, तो इन्वाइट कोड पूछा जाएगा, तो इन्वाइट कोड में आप डाल दीजिएगा DN Live, ठीक है। चलिए तो लेट्स क्विकली बिगिन, है ना, शुरू करें। चलिए, तो सबसे पहली बात कि टॉपिक्स क्या क्या हैं आज हमारे पास एनालिसिस के लिए। आज हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं एनालिसिस के लिए, हमेशा ही होते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आज हम बात करेंगे वो है FDI इनफ्लो के बारे में, है ना। विल टॉक अबाउट FDI इनफ्लोज इन इंडिया, ठीक है। FDI इनफ्लो बढ़ा है, इसके बारे में बात करेंगे। GS पेपर 3rd का टॉपिक है ये, ठीक है। वॉट आर द रीजन्स, जो मतलब रिस्पॉन्सिबल मैं बता सकता हूँ कि FDI इनफ्लोज के लिए, उसके बारे में बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। FDI क्या होता है, कुछ बेसिक्स भी हम चर्चा करेंगे। FDI के रूट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द रूट्स फॉर FDI, है ना, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, हॉरिजॉन्टल FDI क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल FDI, वर्टिकल FDI क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको एक कंप्लीट पिक्चर दूंगा। तो ये है आज का हमारा फोकस, है ना, ये है आज का हमारा फोकस। सेकेंड टॉपिक जो आज हमारा होगा दैट इज़ अबाउट ग्लोबल हेल्थ समिट, है ना, वर्चुअल ग्लोबल हेल्थ समिट। तो अब काफ़ी सारे क्लासेस में, काफ़ी सारे करंट अफेयर्स में ये कवर कर रहे हैं, पर मैंने आपको ये पहले भी करवाया था, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, वो भी तब जब कोई नहीं बता रहा था, अखबार वालों ने भी कवर नहीं किया था। तो आई टोल्ड यू कि ये होने वाला है, है ना, वर्चुअल ग्लोबल हेल्थ समिट। तो इसके बारे में भी जानेंगे, ये हो चुका है। रोम डिक्लेरेशन जो मैंने आपको बताया था आएगा, वो भी आ चुका है, ठीक है। तो रोम डिक्लेरेशन के बारे में जानेंगे जी। इसके अलावा आज हम जानेंगे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक है जी। चलिए, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और क्या जानेंगे आज, और जानेंगे हम WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड, यहीं पे जान जाएंगे वो। फोर्थ जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा लिथुआनिया के बारे में, है ना। लिथुआनिया ने चाइना का साथ छोड़ दिया है, है ना, चाइना का जो 17 प्लस 1 कॉपरेशन फोरम है उसको लिथुआनिया ने छोड़ दिया है। तो इनके बारे में भी जानेंगे, और फिर हम किसके बारे में जानेंगे, लास्ट में हम जानेंगे लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, है ना, लक्षद्वीप, ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। तो ये सारा आज का हमारा टॉपिक है, आई होप आपको मज़ा आएगा, है ना। चलिए, बिफ़ोर वी स्टार्ट, एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि अनअकैडमी प्लस पर 26 तारीख यानी कि आज से, और उसके बाद फिर 30 तारीख यानी कि, है ना, इस महीने के मतलब 30 तारीख यानी कि 3-4 दिन बाद से
दो नए बैचेस यहाँ पर शुरू हो रहे हैं। इन केस यू वांट टू ज्वाइन अन अकेडमी प्लस यू कैन ज्वाइन यूजिंग माई कोड DNLIVE, है ना। तो दो बैचेस शुरू हो रहे हैं 26, मतलब दो डेट्स पर बैचेस शुरू हो रहे हैं, मल्टीपल बैचेस हैं। मल्टीपल बैचेस हैं, इफ यू वांट यू कैन कनेक्ट हियर, ठीक है। तो आप इन बैचेस से कनेक्ट हो सकते हैं। ये जो बैचेस आपको दिख रहे हैं ये सारे हिंदी के बैचेस नहीं हैं, ये सारे हिंदी बायलिंगुअल सारे तरह के बैचेस आपको हैं। ये बायलिंगुअल है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये 2021 वालों के लिए है, है ना। दीज आर फिनिक्स रिविजन बैचेस फॉर 2021। इसके अलावा आपको यहाँ पे 2022 वालों के लिए भी बैचेस देखने को मिलेंगे, और ये तीन बैचेस जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये 2023 वालों के लिए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मल्टीपल बैचेस मिल रहे हैं, आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। NCERT फाउंडेशन बैचेस भी हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे ना आपको बिल्कुल कंप्लीट कवरेज मिल जाता है, ठीक है। GS प्लस ऑप्शनल कर लेते हैं आप, CSET करते हैं टॉप एडुकेटर्स के साथ, टेस्ट सीरीज, क्विजेज, है ना, सब कुछ, एवरीथिंग। तो बेसिकली दिस इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, नहीं ये वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह काम करेगा आपके लिए। तो यू कैन कम एंड ज्वाइन हियर अनअकैडमी प्लस। आज ये ऑफर चल रहा था आपका, ये इसका लास्ट डेट है, है ना, 25%+10% डिस्काउंट का। तो इफ़ यू वांट टू अवेल दिस ऑफर यू कैन सब्सक्राइब टुडे। और इस ऑफर में अभी वन ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है GS प्लस ऑप्शनल का, ये ऑफर सिर्फ GS और ऑप्शनल दोनों के कॉम्बिनेशन पर ही वैलिड है। 77,000 प्राइस था, आज ये प्राइस है 57, कल वापस से यही हो जाएगा। और वन ईयर का ये है, टू ईयर का है 1,12,000, और अभी के लिए क्या है ये 83,000। दोनों में जैसे ही आप DNLIVE कोड अप्लाई करेंगे, है ना, इस कोड को अप्लाई करेंगे, मेरे कोड को, यहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, 51,000 और 74,000 का ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये बात हो गई सर, अब चलते हैं टॉपिक पे, बाकी बातें आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा क्या, सबसे पहला टॉपिक है हमारा इनक्रीज्ड FDI, है ना। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इनक्रीज्ड FDI GS पेपर नंबर थर्ड, ठीक है, इनक्रीज्ड FDI। आइए जानते हैं क्या क्या बातें हैं यहाँ पे। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने अभी हाईलाइट किया है कि FDI इनफ्लो इंडिया में कैसा आ रहा है। तो FDI इनफ्लो 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 10% बढ़ा है। तो मतलब बावजूद इस फैक्ट के कि द इकोनॉमी वॉज ओवरऑल, है ना, इन द डोल्ड्रम्स, इकोनॉमी में वैसे तो स्लो डाउन चल रहा था, आपने देखा GDP की क्या बुरी हालत थी, है ना, GDP ग्रोथ की क्या बुरी हालत थी, इसके बावजूद 10% का ग्रोथ हुआ देखने को मिला FDI में, एंड टच्ड अ रिकॉर्ड $81.72 बिलियन, ठीक है। तो एक रिकॉर्ड स्तर पर हम पहुंच गए FDI के मामले में। 2019-20 में जो FDI से हमें पैसे आए थे वो $74.39 बिलियन थे, है ना, उसके मुकाबले इस बार 10% ज़्यादा आए हैं। FDI इक्विटी इनफ्लोज की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 19% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, लगभग 60, है ना, $60 बिलियन, और 2019-20 में लगभग 50 बिलियन डॉलर $50 बिलियन आया था हमारे यहाँ इक्विटी इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। तो $10 बिलियन का बढ़ोतरी देखने को एक फाइनेंशियल ईयर में आपको मिला है, ठीक है। ये अपने आप में मतलब बड़ा अचीवमेंट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि टॉप FDI इन्वेस्टर्स कौन है, तो सिंगापुर जो है वो टॉप इन्वेस्टर के रूप में उभरा है। 29% इन्वेस्टमेंट जो है वो सिंगापुर से आ रहा है। तो सिंगापुर जो है वो हमेशा से ही, है ना, या तो फर्स्ट पे, कभी अगर नीचे जा भी सकता है तो सेकंड पे जाता है, अदरवाइज ये यहीं रहता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दैट इज सिंगापुर इज़ अ टैक्स हेवन, है ना। तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ के जो कंपनीज़ हैं, आप ये मत सोचिए कि सिंगापुर अगर टॉप इन्वेस्टर है तो सारा कंपनीज़ जो होंगे वो सिंगापुर के ही ओरिजिन के होंगे। अलग अलग देशों की कंपनी है, पर चूंकि ये टैक्स हेवन है तो काफ़ी सारे देशों की काफ़ी सारी कंपनी अपना पैसा यहाँ पे पार्क करके रखती हैं, फिर यहाँ के थ्रू रूट करती हैं, है ना। चलिए तो इट वॉज फॉलोड बाई US, दूसरे नंबर पे कौन है, US का इन्वेस्टमेंट इंडिया में कितना है, 23%। तो कैन यू सी कि सिंगापुर और अगर US को मैं मिला दूँ, है ना, तो कितना हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा यहाँ पर 52%, है ना, 52% FDI यहीं से आ रहा है भाई। 29 प्लस, है ना, 23, तो 32 प्लस 20, ठीक है, तो 52% FDI यहीं से सिर्फ दो देशों से आ रहा है। आप देखेंगे मॉरिशस जैसे छोटे देश जो है वहाँ से भी, है ना, 9% ऑफ फॉरेन कैपिटल
हमें मिल रहा है। अब मॉरिशस जैसे छोटे शहरों से कैसे मिल रहा है भाई, इसकी क्या वजह हो सकती है? मॉरिशस जैसे छोटे शहरों से मिल रहा है, इसका मतलब साफ है ये पैसा मॉरिशस का नहीं है, सिंगापुर का नहीं है, और देशों के जो लोग हैं वो यहाँ पर अपने मनी को पार्क करके रखते हैं और फिर सिंगापुर के थ्रू भारत में रूट करते हैं। बेसिकली सिंगापुर मॉरिशस जैसे देशों के थ्रू भारत में रूट करते हैं, है ना, तो ये रूट करने का एक साधन है, ठीक है। चलिए अगर मैं ट्रेंड्स की बात करूँ तो एफ डी आई इक्विटी फ्लो फ्रॉम यू एस, है ना, फ्रॉम द यू एस मोर देन डबल्ड इन 2020 to 2021, है ना, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में, है ना, इस फाइनेंशियल ईयर में कितना का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला? यूएस से जो एफडीआई आ रहा है वो डबल हो गया। यूके के अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो दिस सर्ज 44% इन द सेम पीरियड, है ना, तो यूके से भी इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ा है। शार्पेस्ट ग्रोथ अमंग द टॉप 10 एफडीआई ओरिजिन कंट्रीज वॉज रिकॉर्डेड फ्रॉम सऊदी अरेबिया, है ना, सऊदी अरेबिया से भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया। इन्वेस्टमेंट जम्प्ड फ्रॉम मेयर $90 million, है ना, इन 2019-20 to 2.8 billion इन 2021। कैन यू इमेजिन? आप शायद डाटा पर ध्यान नहीं दे रहे, जरा डाटा पर ध्यान देना। यूएस का जो एफडीआई था वहाँ से डबल हो गया, यूके से जो एफडीआई हमारे यहाँ आता था उसमें 44% की बढ़ोतरी देखने को मिली, और यहाँ से जो आता था, है ना, इसमें लगभग लगभग 3 times, ऑलमोस्ट, पूरा 3 times नहीं है बट ऑलमोस्ट 3 times की आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 90 million से ये 2.8, है ना, बिलियन तक पहुंच गया, ठीक है। तो डबल से भी ज़्यादा बढ़ोतरी आपको सऊदी अरेबिया से आती हुई दिख रही है, एंड दैट इज समथिंग, है ना, ग्रेट, दैट इज समथिंग ग्रेट, ठीक है जी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ट्रेंड देख लिया आपने क्या चल रहा है। टॉप एफडीआई डेस्टिनेशन कहाँ है, भारत में जो पैसे आए वो आखिर कौन से राज्यों में गए? तो गुजरात जो है वो सबसे पहला, है ना, सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रहा है। लगभग लगभग पूरे देश का 37% एफडीआई इक्विटी इन्फ्लोज जो है वो गुजरात में आया है। ये अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं गुजरात जैसे स्टेट का, है ना। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न कि गुजरात का इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है इज़ बेसिकली द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम इन गुजरात, है ना, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम इन गुजरात विच हैज़ ऑब्वियसली ग्रोन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम एक दिन में आप नहीं बना सकते, वो माहौल आप एक दिन में नहीं बना सकते, है ना। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच बेसिकली लेड टू क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम इज द इंफ्रा, है ना, जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज लॉ एंड ऑर्डर, है ना, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का बढ़िया है, पीसफुल एनवायरमेंट है। ये सारा फैक्टर जो है काफ़ी काउंट करता है। अगर आप देखेंगे जिस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे बिहार में, आप देखेंगे यहाँ यूपी में, ऐसी जगहों पर आपको ज़्यादा इंडस्ट्रीज देखने को नहीं मिलती बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर या पीसफुल नहीं है यहाँ पे, है ना। आप बिहार यूपी में देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया गया है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी वजह से, इन सभी वजहों से इंडस्ट्रियल इको सिस्टम नहीं है, है ना। चलिए तो ये तो बात हो गई कि गुजरात जो है वो टॉप डेस्टिनेशन है, 37% फॉरेन इक्विटी इन्फ्लोज गुजरात के पास है, और तो इट वॉज फॉलोड बाई ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल राइवल, है ना, गुजरात का शुरू से ही राइवल कौन रहा है? महाराष्ट्र, है ना। तो 27% आपको यहाँ पर इक्विटी इन्फ्लोज है महाराष्ट्र में, जो सेंटर्स हैं आपके मुंबई हैं, पुणे हैं, दीज आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स, है ना। वैसे ही गुजरात में आपका सूरत है, है ना, सूरत, वडोदरा, दीज आर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स, ठीक है जी। चलिए कर्नाटका की बात करूँ तो 13%, है ना, थर्ड हाईएस्ट रहते हुए कर्नाटका ने 13% इक्विटी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है। बाकी पूरे देश में, है ना, रिमेनिंग 23% इक्विटी पहुंचा है। आप इस, माने, इनइक्वालिटी को देख सकते हैं, कैन यू सी दिस इनइक्वालिटी, कि एक एक राज्य में केवल गुजरात में 37% एफडीआई आया, और आप अगर ये 3 राज्यों को छोड़ दें तो बाकी सारे राज्य मिलाकर 23% एफडीआई आ रहा है, है ना। तो क्या परफॉर्मेंस है इसका जरा आकलन कर लीजिए, ठीक है, क्या परफॉर्मेंस है इसका जरा आकलन कर लीजिए, ठीक है। टॉप सेक्टर्स कौन कौन से हैं, किन में आया भैया बढ़िया परफॉर्मेंस? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, है ना, ये टॉप सेक्टर बनकर उभरा है 2020-21 में, और लगभग लगभग 44% शेयर ऑफ द टोटल एफडीआई इक्विटी इनफ्लो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इट इज़ फॉलोड बाय कंस्ट्रक्शन,
सबसे पहले नंबर पे, पहले नंबर पे कौन है भाई? पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे है कौन? पहले नंबर पे है भैया हमारा आईटी इंडस्ट्री। दूसरे नंबर पे है कौन? कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ठीक है। और फिर आता है कौन? सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। फिर आता है कौन सा? सर्विसेज सेक्टर, ठीक है जी। समझ गए यहाँ तक की बात? क्लियर है। एज मच एज 94% ऑफ द इक्विटी एफडीआई इनटू गुजरात वाज रूटेड इनटू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेक्टर, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेक्टर में रूट हो रहा है। स्टेट अकाउंटिंग फॉर 78% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू द सेक्टर, ठीक है। इस सेक्टर में जितना इन्वेस्टमेंट आया उसका है ना, लगभग 78% इसी राज्य में आया है। कर्नाटक विथ 9% एफडीआई इक्विटी रिसीव्स इनटू द सेक्टर वाज फॉलोड बाय दिल्ली विच रिसीव्ड 5%, है ना। चलिए यहाँ तक की बात हो गई आपको, बिल्कुल सेक्टर स्पेसिफिक डाटा दिखा दिया मैंने। अब इतना सेक्टर स्पेसिफिक डाटा दिखा दिया तो इनका करना क्या होता है? इतना सारा डाटा जो दिखाता हूँ इसको क्या देख के मुंह दिखाई करनी है इसकी? भैया एक बुक बना लीजिए, डाटा बैंक, मेंस के बारे में सीरियस हैं लगता है कि नहीं, पढ़ेंगे, प्री निकलेगा, है ना, और दूर तक जाना है, सिर्फ दो चार क्लास एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखना। तो एक डाटा बैंक बना लीजिए, उसमें डाटा मेंशन करते जाइए। खासकर 2021 में जो बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। ये एक ऐसा एक्सरसाइज है डाटा बैंक का जो मैं जनरली बच्चों को प्री और मेंस के बीच में करने को बोलता हूँ, पर इस बार प्री और मेंस के बीच में गैप कम रहेगा, आपको अभी ज़्यादा गैप मिला है। तो डाटा बुक अपना अभी से बना लीजिए और वहाँ पे है ना अलग अलग GS पेपर 1, 2, 3 के डाटा को ऐसे कंपाइल करते रहिए। बहुत ज़्यादा लेंथी मत बनाइएगा उसको, है ना, बहुत ज़्यादा लेंथी मत बनाइएगा, सिर्फ डाटा उसमें आपको नोट करके रखना है। और सुबह के समय आप मतलब 20 मिनट 25 मिनट टाइम दीजिए डेली, उसको रिवाइज कीजिए। ये डाटा आपके मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी काम आएगा। और अगर आप मतलब शानदार रैंक नहीं लाते हैं मेरे टिप्स को फॉलो करने के बाद तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा भाई, है ना, पढ़ाना छोड़ दूंगा। पर शर्त एक ही है कि आपको पढ़ना है, है ना, तरीके से आपको इन चीज़ों को सिंसियरली फॉलो करना है। मतलब आपका ईमान बोलना चाहिए कि नहीं सर ने जो बताया था मैंने उसको 100% फॉलो किया और 365 डेज फॉलो किया। अगर आपका ईमान बोलेगा कि हाँ भैया 365 दिन सर ने जो चीज़ें बताई थी वो मैंने की हैं और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप मेरे को बताना, पढ़ाना छोड़ दूंगा भाई पक्का, ठीक है। आफ्टर ऐसे नहीं सिलेक्शंस होते ना भाई, सिलेक्शंस ऐसे नहीं होते, आज तक जो हुए हैं वो ऐसे ही नहीं हुए। मेहनत लगती है, बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है और बच्चों के पीछे टीचर को, मास्टर को मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन हलवा नहीं है। UPSC सिविल सर्विसेज में रैंक लाना, रैंकर बनना हलवा नहीं है, मेहनत लगती है, बच्चे की भी और उसके पीछे जो मेंटर लगा है, जो गाइड, जो टीचर लगा है, उसकी भी मेहनत लगती है। दोनों की मेहनत होती है तब जाकर रंग आता है चोखा, है ना। तो इतना आसान नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है। अगर आप और टीचर, है ना, स्टूडेंट और टीचर दोनों मिल जाए और दोनों सिंक्रोनाइज हो जाए, मतलब मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, एक जैसे बच्ची जिसका मैंने बताया लास्ट ईयर 213 मार्क्स थे उसके इंटरव्यू में, है ना, तो मैं आधा सेंटेंस बोलता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है करेक्शन में, आधा सेंटेंस भी अगर बोल के छोड़ दूँ तो वो पूरा समझ जाती है कि सर ये कहने वाले हैं, है ना। तो इस लेवल का सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए टीचर के साथ आपका, और फिर आता है पढ़ने में भी मज़ा और टीचर को पढ़ाने में भी मज़ा, ठीक है। चलिए समझ गए। मास्टर को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ये कह के कहीं अपना पल्ला तो नहीं झाड़ रहे कि नहीं सर हम तो कम करेंगे, हैं ऐसा? आफ्टर, है ना, अपार्ट फ्रॉम द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, है ना, अगर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को हटा दिया जाए तो कहाँ पैसे आए भैया? रबर गुड्स में, है ना, रिटेल ट्रेडिंग में, ड्रग्स में, फार्मास्यूटिकल में, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में, ठीक है, इनमें ज़्यादा, है ना, जंप देखने को मिला है हमें, ठीक है बॉस, समझ में आ गया कहाँ कहाँ मिला है। अब ये जो अचानक से, है ना, ये अचानक से जो मैंने बूम सा आया है ना, ये अचानक से जो बूम सा आया है तो इस बूम में आखिर आपको क्या देखने को मिला, मतलब कारण क्या हो सकता है? तो FDI बूस्ट इन्फ्लो जो हो रहा है इसमें एक सीरीज़ है, है ना, एक सीरीज़ ऑफ पॉलिसी मेजर्स रिस्पॉन्सिबल है जो कि हमने, भारत सरकार ने लिए एज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। और एज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना,
ये सरकार जो है बनियों की सरकार है हम कहते हैं। बनिया मतलब, बनिया को जाति सूचक शब्द के तौर पे मत लेना, बनिया मतलब बिजनेस क्लास, है ना। तो ये सरकार बनियों की सरकार है भैया, तो ईजी हो जाए बिजनेस करना, इस पर इनका बड़ा फोकस होता है। तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बड़ा फोकस है इनका, और उसके लिए काफ़ी सारे पॉलिसी मेजर्स लिए हैं। उसी का ये परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि हम आज अच्छा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में, और एक एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पाइपलाइन, ठीक है। ऑल्सो द इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड अ पॉजिटिव ग्रोथ इन डबल डिजिट्स बूस्टेड बाई इन्वेस्टमेंट इन द डिजिटल सेक्टर, ठीक है। डिजिटल सेक्टर में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसका भी रिटर्न हमें यहाँ मिल रहा है, ठीक है। चलिए तो भैया अब थोड़ा बेसिक्स पे आ जाते हैं, बैक टू बेसिक्स, है ना। बेसिक फंडा जानते हैं, बाबा बेसिक्स। तो बाबा बेसिक ये है भैया कि FDI क्या होता है। तो FDI बेसिकली एक ऐसा मतलब प्रोसेस है ना, जिसमें कि एक कंपनी है ना या एक इन्वेस्टर या तो ओनरशिप और कंट्रोल ले ले ऑपरेशन का, ठीक है, दूसरे कंट्री में, या आप कह लीजिए कि ओनरशिप ले ले और कंट्रोल जो है ऑपरेशन का वो उन्हीं के साथ पास रहने दे। मतलब ओनरशिप मैंने ले ली और जो ऑपरेशंस हैं वो तुम्हें ही दे दिए, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे वो किसने खोला था वहाँ पे, UK में किसी ने खोला था ना, नहीं ऑस्ट्रेलिया में खिचड़ी बनाने वाली कंपनी खोली थी तुमने में से किसी ने, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया में खिचड़ी बनाने के लिए कंपनी खोली, तो भैया पैसा कहाँ से गया, इंडिया से गया ना, है ना। तो इसी को बोलते हैं FDI, है ना। ऑस्ट्रेलिया में पहले से पिज्जा बनाने की कंपनी थी, तुमने उसमें इन्वेस्ट करके उस कंपनी से तुम खिचड़ी बनाने लगे, ठीक है। ओनरशिप और कंट्रोल तुम्हारे पास है भैया, पिज्जा के बदले खिचड़ी बनाओ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो यही है FDI, ठीक है, समझ गए। FDI में फॉरेन कंपनीज जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती हैं डे टू डे ऑपरेशंस में, है ना, दूसरे देश में, विच इम्प्लाइज दैट अलॉन्ग विथ ब्रिंगिंग मनी दे ऑल्सो ब्रिंग नॉलेज स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो जो खिचड़ी बनाने की कंपनी खोली है जिसने, वो बोलेगा भैया देखो ऐसे नहीं है ना, ऐसे बनेगा, बोला सीजनिंग में ये ऑरेगैनो वेरोगैनो नहीं, बोला जीरा का तड़का लगाओ रे, हींग डालो, जीरा डालो, घी डालो, है ना, बोले हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, ऑलिव ऑयल का स्प्रेड नहीं चाहिए उसके ऊपर, है ना। तो ऑलिव ऑयल विल बी रिप्लेस्ड बाय, है ना, काओ घी, पतंजलि काओ घी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नॉलेज स्किल और टेक्नोलॉजी भी अमन भैया अपना साथ में लेकर गए हैं, ठीक है। तो ये है FDI, ठीक। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नॉन डेट मॉनेटरी सोर्स, है ना, ध्यान रखना, ये एक प्रकार का डेट नहीं है, ओनरशिप ले लिया। दो तरीके हो सकते हैं, मान लीजिए मुझे पाव भाजी की कंपनी खोलनी है ना, पाव भाजी की। अब भैया प्रधानमंत्री साहब भी तो कहते हैं पकौड़े, तो हम पाव भाजी भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो मुझे पाव भाजी की कंपनी खरीदनी है, तो दो तरीका हो सकता है। एक तो मैंने लोन ले लिया ना, एक ये कि मैंने लोन ले लिया मैंने, डेट है ना, मतलब मुझे पैसे लौटाने हैं, उस पर सूद इंटरेस्ट लौटाना है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि पाव भाजी की कंपनी खोलनी है, मतलब देश के जितने ज़िले हैं हर ज़िले में पाव भाजी का स्टॉल लगे, है ना, ऐसा चाहता हूँ मैं, तो मुझे है ना 50 करोड़ रुपए की ज़रूरत है इसके लिए, पूरे देश में पाव भाजी का स्टॉल खोलने के लिए मुझे 50 करोड़ की ज़रूरत है। तो एक तो ये हो सकता था कि मैंने लोन ले लिया, दूसरा ये हो सकता है कि मैंने 50 करोड़ में से, है ना, मान लो मेरे पास 20 करोड़ रखे हुए हैं, तो 30 करोड़ रुपये मैंने क्या किए, है ना, किसी से लिए और उसको बोला कि भैया बदले में अपनी कंपनी का परसेंटेज दे दूंगा या प्रॉफिट का परसेंटेज दे दूंगा, ठीक है। तो ये सेकंड वाला फंडा होता है FDI में, है ना, ये सेकंड वाला फंडा होता है FDI में, लोन नहीं है ये, डेट नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना नॉन डेट मॉनेटरी सोर्स, है ना, ये कैसा सोर्स है, नॉन डेट मॉनेटरी फोर्स है, समझ गए। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जब भारत में शुरू हुआ 1991 में, तब से FDI आप देखेंगे बिल्कुल शार्प इंक्रीज धीरे धीरे FDI में हमें देखने को मिलेगा, है ना। चलिए तो FDI के दो प्रकार के रूट्स हो सकते हैं, FDI भारत में दो तरीके से, दो रास्ते से आ सकता है। पहला है गवर्नमेंट रूट, है ना, गवर्नमेंट आ गई वैसा, गवर्नमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट रूल जो रूट जो है, इसमें इन्वेस्टमेंट बिजनेस सेक्टर रिक्वायरिंग प्रायर अप्रूवल फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB विच इज़ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि भैया कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना, तो पहले से ही आपने क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, पहला ऑप्शन। दूसरा है ऑटोमेटिक रूट,
है ना। आजकल ज़्यादातर जो छोटी मोटी या मतलब जो मार्केट से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें हैं, कुछ को छोड़कर सबको ऑटोमेटिक रूट में रख दिया सरकार ने। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस सेक्टर्स दैट डू नॉट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल, है ना, पहले सरकार से पूछने की जरूरत नहीं होती कि भाई साहब बोतल की कंपनी खुलवानी है, खुलवाएं या नहीं खुलवाएं, है ना, खुलवा लीजिए आप, ठीक है, सरकार से पहले से पूछने की प्रायर अप्रूवल की जरूरत नहीं है, है ना, पैसे मंगवा लीजिए आप विदेश से। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है, है ना, या तो किसी प्रोजेक्ट में ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट रूट या ऑटोमेटिक रूट, इस दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, हाइब्रिड भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे हाइब्रिड का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझना मेरे इस पॉइंट को, है ना, बहुत ध्यान से समझना मेरे इस पॉइंट को भाई। हाइब्रिड का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ऐसा बोल सकती है कि अगर कंपनी में 50% तक का FDI आ रहा है तब तो ऑटोमेटिक रूट है, है ना, 50% के लिए पूछना नहीं है, है ना, कर लो। पर अगर 50 से ज़्यादा आएगा, 75 तक आएगा, है ना, तब जो है गवर्नमेंट रूट अपनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पिताजी ने ऐसा बोल दिया कि भैया 10,000 रुपये तक खर्चे करने हो मैंने, तो खर्चे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, पर 10,000 से ज़्यादा करे वो तो हर खर्चे के लिए मेरे से अप्रूवल लेना पड़ेगा, वही वाली बात है यहाँ पे, है ना, 50% तक FDI आ रहा है तो अपने से ले लो, लेने के बाद मुझे इन्फॉर्म कर देना, परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और 75 या 50 से ज़्यादा हो रहा है तो फिर आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है पप्पा जान से, ठीक है, चलिए समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गया FDI के रूट, आइए FDI के कैटेगरीज जानते हैं, है ना, FDI के कैटेगरीज जानते हैं, ठीक है। सर ऑटोमेटिक रूट में एक लिमिट के बाद परमिशन लेनी पड़ेगी क्या, वही तो बता रहा था बालक मैं, यही तो बता रहा था, हाइब्रिड है ना, तो उसमें लिमिट फिक्स होता है ना कि 50% आ सकता है, 75% आ सकता है, है ना, या फिर हाइब्रिड जैसा कर देंगे कि 50 के बाद गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे पता है तुम्हारे किस तरह के डाउट हो सकते हैं, तुम बाद में सोचते हो, मैं पहले सोच लेता हूँ, है ना, बाबा जाने मन की बात, ठीक है, चलिए तो बाबा जाने मन की बात, कैटेगरीज देखते हैं। सबसे पहला कैटेगरी है क्या, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल रिफर्स टू इन्वेस्टर एस्टेब्लिशिंग द सेम टाइप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इन अ फॉरेन कंट्री एज इट ऑपरेट्स इन इट्स होम कंट्री, है ना, मतलब यहाँ अगर मैंने पाव भाजी की फैक्ट्री लगाई है तो मैं कहीं दूसरी जगह पर भी जाकर, है ना, कहीं दूसरी जगह पर भी जाकर पाव भाजी की ही फैक्ट्री लगाऊँ, ठीक है, इंग्लैंड में भी जाके पाव भाजी की फैक्ट्री लगाऊँ। अब यहाँ मैंने पाव भाजी की फैक्ट्री लगाई है और इंग्लैंड में जाके, है ना, मैं वैक्सीन बेचने लगूँ, ठीक है, वैक्सीन ले लो, तो फिर सही नहीं रहेगा ना भाई, है ना, तो फिर सही नहीं रहेगा ना, समझ रहे हो ना मेरी भावनाओं को, समझ रहे हो, चलिए तो ये वाली बात है। तो हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं, रेफर्स टू इन्वेस्टर एस्टेब्लिशिंग सेम टाइप, है ना, ध्यान देना, सेम टाइप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इन अ फॉरेन कंट्री एज इट ऑपरेट्स इन द होम कंट्री, ठीक है, वहाँ पे जाके वैक्सीन बेचूंगा तो बोलेगा भैया वो काम तो पूना वाला करता है इंडिया में, है ना, तुम काहे कर रहे हो यहाँ, ठीक है, चलिए इतना बात समझ गए, तो आइए दूसरा समझते हैं, वर्टिकल, है ना, अच्छा लग रहा है आज बिना फोटो के पढ़ाना भी, है ना, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा फील हो रहा है मुझे, है ना, अच्छा लग रहा है, कंटेंट पे ध्यान दो, है ना, मुझे वैसे भी आपको क्या मिलेगा मुझे देखकर, हिस्ट्री की क्लास में देखना मुझे, है ना, करंट अफेयर्स क्लास में ऐसे ही पढ़ा करो यार, है ना, कैमरा खराब हुआ है तो अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ जी, वर्टिकल कैटेगरीज में सेकंड कैटेगरी है वर्टिकल, इट इज़ वन इन विच डिफरेंट बट रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज, डिफरेंट बट रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज फ्रॉम द इन्वेस्टर्स मेन बिजनेस आर एस्टेब्लिश्ड और एक्वायर्ड इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ इंडिया में सत्तू बेचता हूँ, है ना, सत्तू बेचता हूँ, ठीक है, तो मेरी इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में मेरी रेड़ियाँ लगती हैं, ठीक है, सत्तू बेचने की, और मैं इंग्लैंड जाऊँ तो भैया इंग्लैंड के हिसाब से, है ना, जैसे हम इंडिया में हर चीज़ को देसीफाई कर देते हैं तो वहाँ विदेशीफाई करना पड़ेगा, तो मैं इंग्लैंड में ले जाकर बोलूँगा क्या, है ना, प्रोटीन रिच, है ना, प्रोटीन रिच या प्रोटीन प्लस, है ना, प्रोटीन प्लस, ईजी टू डाइजेस्ट, है ना, रिफ्रेशिंग हेल्थ ड्रिंक, ठीक है, और इसी के साथ मैं वहाँ पे एक दो और चीज़ें शुरू कर दूंगा, है ना, आम पापड़ बेचने लगूंगा इंग्लैंड में जाके। अब जब आम पापड़ बेचने लगा मैं इंग्लैंड में और प्रोटीन रिच, है ना,
इजी टू डाइजेस्ट रिफ्रेशिंग ड्रिंक बेचने लगा, इसी तरह की एक दो चीज़ें और रख ली, है ना। तो भैया मिलता जुलता हुआ ना भारत में जो कर रहे थे, भारत में एकदम प्याज डाल के सत्तू बेच रहे थे, वहाँ पे थोड़ा बदल दिया मैंने फॉर्मेट, है ना। तो अगर मेन बिजनेस एक्टिविटी जो है उससे मिलता जुलता वहाँ पे कुछ कर रहे हैं, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भैया वर्टिकल, है ना। तो इट इज़ वन इन विच डिफरेंट बट रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज, है ना, फ्रॉम द इन्वेस्टर्स मेन बिजनेस आर एस्टेब्लिश्ड और एक्वायर्ड इन अ फॉरेन कंट्री। ठीक है, तो मैं भारत में सत्तू बेचता हूँ पर इंग्लैंड में एक हॉर्लिक्स बनाने वाली कंपनी है, है ना, या हेल्थ ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है, मैंने उसको जाके एक्वायर कर लिया, बोले तुम कौन, मैं भैया वो रेडीमेड, है ना, सत्तू बेचते थे हम इंडिया में, हम ही हैं। ठीक है, चलिए ये फंडा है भैया। तो हॉरिजॉन्टल में सेम टाइप, बिल्कुल, है ना, हॉरिजॉन्टल में सेम, यहाँ पे सिमिलर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में सेम, यहाँ पे सिमिलर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैंने देखो क्या लिखा है, सच एज व्हेन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक्वायर्स एन इंटरेस्ट, है ना, इन अ फॉरेन कंपनी दैट सप्लाइज पार्ट्स और रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जैसे कि मान लीजिए अदार पूनावाला साहब है, है ना, पूनावाला साहब भारत में सेरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन बना रहे हैं, है ना, पर इनको रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो इन्होंने US में इन्वेस्टमेंट कर दिया, है ना, पूनावाला ने US में इन्वेस्टमेंट कर दिया, रॉ मटेरियल वहाँ पे ये बना रहे हैं, रॉ मटेरियल फिर बनाकर इंडिया भेज रहे हैं। तो दिस इज अ वर्टिकल एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल। ठीक है, समझ गए ना, चलिए समझ गए, चलो जी आ जाओ। अब बात करते हैं कॉन्ग्लोमरेट की, तीसरा, है ना। तो कॉन्ग्लोमरेट इज वन वेयर अ कंपनी और इंडिविजुअल मेक्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस दैट इज अनरिलेटेड टू इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस इन होम कंट्री, है ना। भारत में मैं बना रहा हूँ क्या, भारत में मैं बना रहा हूँ, है ना, खिचड़ी सत्तू, और वहाँ जाकर मैंने बनाना शुरू कर दिया क्या, वहाँ जाकर मैंने शुरू कर दिया बनाना क्या, गिफ्ट आइटम्स, है ना, गिफ्ट आइटम्स। ठीक है, या वहाँ जाके मैं बन गया इवेंट ऑर्गेनाइज़र, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी शुरू कर दी, और इवेंट मैनेजमेंट में भी थीम रख दिया मैंने कि सिर्फ एक ही टाइप के इवेंट मैनेज करूँगा भाई, ब्रेकअप पार्टी, है ना, ब्रेकअप पार्टी मैनेजमेंट करेंगे भाई। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्ग्लोमरेट, है ना, भारत में कुछ और कर रहे हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ पे ब्रेकअप पार्टी मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉन्ग्लोमरेट, और फिर ब्रेकअप पार्टी में क्या करूँगा मैं, वही सत्तू चलवा दूंगा। चलिए, जनवरी 2021 में इसी वर्ष जो UN कटार्ड है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, है ना, UN सिटार्ड, इसने भी हाईलाइट किया था कि 2020 में डेवलपिंग नेशंस का FDI काफ़ी बढ़िया रहा है, है ना, इसने हाईलाइट किया था कि 2020 में डेवलपिंग नेशंस का FDI काफ़ी बढ़िया रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, सर हम छत पे खड़े हैं, बतिया हो रहा है, बतिया हो रहा है का क्या मतलब है भैया, बारिश हो रहा है ऐसा। ठीक है, 72% ऑफ ग्लोबल FDI, है ना, सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ में आया UN कटार्ड के अकॉर्डिंग, और हाईएस्ट शेयर, है ना, डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिला है। चाइना की अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड लार्जेस्ट FDI रिसिपियंट रहा है 2020 में, है ना, चाइना जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा FDI चाइना में आया है, विथ फ्लोज राइजिंग 4% टू $163 बिलियन। मैन सोच सकते हो आप, 163 बिलियन। हाईटेक इंडस्ट्रीज सॉ एन इंक्रीज ऑफ 11% इन 2020, है ना, एंड क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली, 54%। ज़्यादातर ये जो क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स हुए कि भैया वहाँ की एक कंपनी है, यहाँ की एक कंपनी है, जैसे मान लो अमेरिका में कोई कंपनी हो पिद्दी, है ना, पिद्दी टेक्नोलॉजी, तो पिद्दी टेक्नोलॉजी को इंडिया का इन्फोसिस जो है, है ना, उसने जाके एक्वायर कर लिया, बोले अरे पिद्दी है तू आ जा, है ना, तो इद्दी पिद्दी को एक, और यहीं पे UK में इद्दी नाम की कंपनी थी, दोनों को एक्वायर कर लिया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे भैया, कि क्रॉस बॉर्डर मर्जर हुआ है या एक्विजिशन हुआ है। तो इस तरह, है ना, इस तरह से जो ऑपरेशंस हो रहे हैं इसमें 54% की बढ़ोतरी देखने को मिली, और ज़्यादातर किस में हुआ है, ICT में हुआ है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ही देखने को मिला है। इंडिया रिकॉर्डेड पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ 13%, है ना, इन डिजिटल सेक्टर, है ना, डिजिटल सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी जोर दिया हुआ है डिजिटल इंडिया पे, तो डिजिटल सेक्टर में बढ़िया, है ना,
डिजिटल सेक्टर में भी बढ़िया आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिले हैं। चलिए सर, अब आइए जरा इस फोटो पे नज़र डालिए, इस फोटो पे नज़र डालिए जरा। ये देखो, ये है ट्रांजिशन इकोनॉमीज, है ना, ये वाला है ट्रांजिशन इकोनॉमीज, ठीक। ये है नहीं, ये है ट्रांजिशन इकोनॉमीज, ये है आपका, यहाँ है ट्रांजिशन इकोनॉमी बिल्कुल नीचे, ठीक है। ये है ट्रांजिशन इकोनॉमी आपका, ट्रांजिशन इकोनॉमी। ये है आपका डेवलप्ड इकोनॉमीज, है ना, ये है आपके डेवलप्ड, और ये है आपके डेवलपिंग, दीज आर डेवलपिंग, और ये है क्या, वर्ल्ड टोटल। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे आया है भाई, सबसे ज़्यादा जो ये आपका ऑरेंज वाला दिख रहा है, इस चार्ट को देखो, पाई चार्ट को, है ना, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ आया, डेवलपिंग कंट्रीज़ में आया, है ना, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बाद दूसरा कहाँ पे आया, डेवलप्ड में आया, ठीक है। और बहुत कम सा परसेंटेज आया इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन में, है ना, ट्रांजिशन इकोनॉमीज में बहुत कम सा परसेंटेज आया है, बाकी मुख्य रूप से किस में आया है, डेवलपिंग में और उसके बाद डेवलप्ड में, ठीक है भाई। चलिए कोई बात नहीं स्वदेश, यू विल बी फाइन, डू नॉट वरी, है ना, यू विल बी फाइन, डू नॉट वरी। चलिए चलिए आगे चलें जी, यहाँ तक देख लिया आपने कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो माला माल हो रहे हैं। आ जाइए अगले टॉपिक पे, लिए चलता हूँ आपको जीएस पेपर टू, है ना, जीएस पेपर टू में लिए चलता हूँ आपको, जीएस पेपर थ्री से निकाल कर, है ना, जीएस टू की सैर करवाते हैं। जीएस टू में भैया टॉपिक है हमारा ग्लोबल ग्रुपिंग्स, है ना, ग्लोबल एंड रीजनल ग्रुपिंग्स, है ना। तो वहीं पे आते हैं आपके काफ़ी सारे मल्टीपल ग्रुप्स, उसमें से एक आता है WHO। तो WHO हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, पर WHO पर अभी रिसेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा सवाल या निशान खड़े हुए कि भैया WHO अपना काम ठीक कर रहा है, नहीं कर रहा है, है ना। तो WHO के बाहर भी स्वास्थ्य पर, ग्लोबल हेल्थ पर कुछ चर्चाएं शुरू हुई, और इसी कड़ी में G20 देश अभी जब रिसेंटली मिले, है ना, तो G20 देशों ने भी स्वास्थ्य के मुद्दे पर, है ना, ग्लोबल हेल्थ के मुद्दे पर चर्चा की, और इसी को हमने कहा वर्चुअल ग्लोबल हेल्थ समिट 2021। ये इनिशिएटिव किसका है, ध्यान रखना, G20 देशों का इनिशिएटिव है, WHO का, है ना, यहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये G20 का इनिशिएटिव है। कहाँ हुआ, हेल्ड इन इटली, है ना, रोम। चलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना, फॉर ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल, ठीक है जी। हमारे जो 17 SDG हैं, उन 17 SDG में से SDG 3rd है ना हमारा, हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल, ठीक है, तो उसको मीट करना है और सभी स्टेक होल्डर्स को इनेबल करना है, एम्पावर करना है, है ना, टू एड्रेस द चैलेंजेस इन 3rd सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी क्या चैलेंज है भाई, द मेन चैलेंज हियर इज, जहाँ जिसकी वजह से इन पे चर्चा हो रही है, ग्लोबल हेल्थ समिट कर रहे हैं, द मेन चैलेंज हियर इज कोविड एंड कोविड मैनेजमेंट, है ना, कैसे सभी देशों में वैक्सीनेशन वगैरह हो, तो उस पर चर्चा चल रही है, ठीक है जी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। देखो रोम डिक्लेरेशन क्या है, फिर अब ये जान लेते हैं, ये मीटिंग कहाँ हुई, रोम में, है ना। तो इस मीटिंग से जो आउटपुट निकला, अब G20 कोई ऑफिशियल ग्रुपिंग तो है नहीं, G20 जो है ये तो एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, है ना, इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। तो यहाँ से जो बातें निकली उसको हमने बोला कि रोम डिक्लेरेशन है, है ना, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं, कोई कन्वेंशन नहीं, क्योंकि G20 जो है वो क्या नहीं है, फॉर्मल ग्रुपिंग नहीं है। तो यहाँ से जो आउटपुट निकला, दैट वी कॉल एज द रोम डिक्लेरेशन। तो रोम डिक्लेरेशन को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया, है ना, 2021 के ग्लोबल हेल्थ समिट में, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं भैया, डिक्लेरेशन इज मेड अप ऑफ 16 म्यूचुअली एग्रीड प्रिंसिपल, है ना, 16 म्यूचुअली एग्रीड प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पर, और उन 16 प्रिंसिपल्स में क्या क्या बात है भाई, है ना, एम एट गाइडिंग जॉइंट एक्शन टू प्रिवेंट फ्यूचर हेल्थ क्राइसिस, है ना, एंड टू बिल्ड अ सेफर, फेयरर एंड मोर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है। तो रोम डिक्लेरेशन के अगर की फीचर्स की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या होगा भाई, सबसे पहला पॉइंट होगा सपोर्ट, है ना, एंड एनहांस एग्जिस्टिंग मल्टीलैटरल हेल्थ आर्किटेक्चर, है ना, जो मल्टीलैटरल हेल्थ आर्किटेक्चर है उसको सपोर्ट करना है और एनहांस करना है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है भाई। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम है, है ना, मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम है और ग्लोबल सप्लाई चेन है हेल्थ एमरजेंसी से रिलेटेड, जैसे कि कोविड वैक्सीन्स, है ना, जैसे कि कोविड वैक्सीन्स, ठीक है,
तो मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम को प्रमोट करना है और ग्लोबल सप्लाई चेन को, है ना, हेल्थ एमरजेंसी से संबंधित, यहाँ पर वी नीड टू इनेबल इक्विटेबल, है ना, इक्विटेबल, अफोर्डेबल, टाइमली ग्लोबल एक्सेस टू हाई क्वालिटी, सेफ, इफेक्टिव, है ना, प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स टूल्स। ठीक है जी, समझ गए? तो ये बात है बॉस, अगर इतनी बातें समझ गए हैं तो थोड़ा आगे चलते हैं। लो और मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं, है ना, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं, इनको सपोर्ट करना है। ठीक है, इनको सपोर्ट करना है सो दैट वो भी अपने जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके एक्सपर्टीज का फ़ायदा उठा सकें और थोड़ा एक्सपर्ट खुद भी हो सकें, एंड डेवलप लोकल एंड रीजनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़, है ना, ये लोकल और रीजनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डेवलप कर सकें। ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आ गई, थोड़ा और आगे चलिए। यहाँ पर फिर बात होगी कि डाटा शेयरिंग पर काम होना चाहिए, है ना, डाटा शेयरिंग पर काम होना चाहिए, जिन देशों के पास है वो, जिनके पास ज़्यादा डाटा, ज़्यादा रिसर्च नहीं, उनके साथ शेयर करें, कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करें, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स करें, है ना, स्टेक होल्डर्स के बीच में, जिससे कि वहाँ पे भी चीज़ों का, दवाइयों का, वैक्सीन का प्रोडक्शन हो सके, है ना। फर्दर इट एम्स टू फैसिलिटेट वॉलंटरी टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ ट्रांसफ़र ऑन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स, है ना, कि देश आपस में मिलके, है ना, ये बात क्यों हो रही है, याद है आपको, अभी हम बात कर रहे थे कि ट्रिप्स एग्रीमेंट में, ट्रिप्स में जो है WTO का जो ट्रिप्स है, आपको याद होगा, अगर मैंने आपको बताया था कि ट्रिप्स के अंदर जो पेटेंट है, पेटेंट वेवियर की बात हो रही थी, है ना, अभी क्या बात हो रही थी, पेटेंट वेवियर की बात हो रही थी, पर इस पेटेंट वेवियर को सपोर्ट कौन कर रहा था, US सपोर्ट कर रहा था, इंडिया सपोर्ट कर रहा था, इंडिया और साउथ अफ्रीका ने पिछले साल बोला था, अभी US ने इस बात को उठाया कि पेटेंट वेव कर दो सो दैट बाकी सभी कंपनीज जो है वो वैक्सीन वगैरह बना सकें, तो G20 ने बोला नहीं जी पेटेंट वेवियर तो नहीं करेंगे, है ना, G20 ने अपोज किया पेटेंट वेवियर का, और जब G20 ने अपोज किया पेटेंट वेवियर का तो उसके बदले G20 क्या कह रहा है, इसीलिए ये सारी बातें कही जा रही है यहाँ पे, है ना, इसीलिए कहा जा रहा है कि वॉलंटरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, नो हाउ का ट्रांसफ़र हो, म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स में, बोले कंपनीज आपस में करना चाहती करें ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, है ना, एस्ट्राजेनेका जो है वो अफ्रीका की किसी कंपनी को टेक्नोलॉजी बताए, हम मना नहीं कर रहे, पर एक ग्लोबल तरीके से हम ऐसा नहीं कर सकते कि पेटेंट वेवियर कर दें, ग्लोबल लेवल पे ऐसा नहीं हो सकता, पर्टिकुलरली जो यूरोप की कंपनियां हैं, यूरोप की जो आप कह सकते हैं कंट्रीज़ हैं, है ना, उन लोगों ने इसका अपोजिशन किया, जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग बाकी के देश हैं उन लोगों ने अपोजिशन किया कि नहीं भैया पेटेंट वेवियर नहीं करेंगे, तो पेटेंट वेवियर ना हो उसके बदले में ये सॉल्यूशन निकाला इन लोगों ने कि देश आपस में, है ना, एक्सचेंज वगैरह कर सके। ठीक है, बोले वर्ल्ड वाइड हेल्थ और केयर वर्कफोर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया जाए, है ना, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हो और उनको, है ना, क्वालिटी ज्ञान भी हो। चलिए, नहीं तो इंडिया में पता चलता है कि भैया, वो अभी थोड़े टाइम पहले न्यूज़ में आया था, मुझे कल मेरी मॉम बता रही थी, मैंने तो पढ़ा भी नहीं, कि एक नर्स फ़ोन पर बात कर रही थी, फ़ोन पर बात करते करते, है ना, दो दो डोज वैक्सीन के लगा दी, दो वायल्स लगा दिए, बताओ गजब हेल्थ केयर सिस्टम है भैया हमारा, है ना, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी गजब ढा रहे हैं आजकल। टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ प्रिपेयर्डनेस, है ना, प्रिपेयर्डनेस की इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है, रेस्पॉन्स मेजर्स को सही करना है, कैसे होगा ये सब, इंक्लूसिव डायलॉग के माध्यम से। इंक्लूसिव डायलॉग किससे करेंगे, कम्युनिटीज से, समुदाय से, क्योंकि अल्टीमेटली बचाना किसको है, कम्युनिटी को, समुदाय को, है ना, तो जब तक समुदाय से मिलजुल कर बात नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा भाई मेरे। ठीक है, चलिए, अच्छा बीच में बफर करें अगर एक दो सेकंड तो ठंड रखा करो, थोड़ा सा चल रहा है आजकल ऐसा, है ना, तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लिया करो। ठीक है, थोड़ा सा बीच में करेगा बट वो तुरंत एक दो सेकंड बाद ही ठीक भी हो जाता है, है ना, तो प्लीज़ एडजस्ट टू दिस। टू सीक टू एंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स, ठीक है, समझ गए, चलिए आगे आ जाइए, है ना, आगे आ जाइए, सेम GS पेपर 2 ही, ग्लोबल ग्रुपिंग ही बात हो रही है यहाँ पे, उस संस्था की जिस संस्था पे थोड़ा सवाल या निशान खड़ा किया है वैश्विक समुदाय ने, WHO की बात कर रहे हैं। तो WHO के जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है इसकी मीटिंग हुई अभी, है ना, और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के चेयरमैन कौन है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के चेयरमैन कौन है, हमारे हर्षवर्धन साहब, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है इंडिया के, वो इसके चेयरमैन है, किसके, WHO के नहीं भाई, वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के, है ना, ये WHO है, ठीक है, तो ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, मतलब उसका पार्ट है ये, ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। अरे रुक जाओ यार, क्लास खत्म हो जाएगी तब,
आज सब्सक्रिप्शन लिए हैं बच्चे, परेशान हो रहे हैं सर हमें ये कर दो हमें वो कर दो। अरे कर देंगे भाई, थोड़ा क्लास ख़त्म होने दो यार। अब देखो जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है ना, उन सबको ये पता है कि अभी मेरी क्लास चल रही है तो क्लास के बाद मैसेज करना चाहिए ना यार, है ना। मुझे क्लास के टाइम पे कोई डिस्टर्ब करता है बड़ा गुस्सा आता है यार। चलो खैर, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बात करते हैं, है ना। नए बच्चे हैं समझ जाएंगे कुछ दिनों में। वैसे प्लस के बच्चे मुझे ज़्यादा तंग नहीं करते, यूट्यूब वाले परेशान करते हैं यार। प्लस वाले बच्चे अच्छे हैं, उनको समझा दो वो समझ के फिर काम करना शुरू कर देते हैं, लग जाते हैं, एकदम चुपचाप काम करते हैं बिना शोर मचाए। ये बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर प्लस थोड़ा माहौल का भी फ़र्क पड़ता है, मतलब वहाँ पे आके माहौल अलग मिल जाता है बच्चों को। चलिए, मैं बात कर रहा था आपसे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के चेयरमैन है हमारे हर्षवर्धन साहब, इन्होंने वर्चुअली 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग को अध्यक्षता की, है ना। WHO डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो WHO दो बॉडीज से गवर्न होता है डिसीजन मेकिंग के मामले में, है ना। सर जब बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं लेते तो आप परेशान करते हैं? अरे मैंने किसको परेशान कर दिया सब्सक्रिप्शन नहीं लेने के लिए? ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई। आज तक कोई बता दे किसी को परेशान किया हो मैंने सब्सक्रिप्शन लेने के लिए? बिल्कुल ऐच्छिक है ना। टीचर तो मैसेज करके पूछते भी हैं सब्सक्रिप्शन लेना है, मैंने आज तक किसी एक बच्चे से पूछा हो तो बताओ पूछ के। क्लास में बोलना वो रूल है कि क्लास में बताना है आपको, क्लास में आपको बताना है, दैट इज़ अ रूल, तो वो मैं बताता हूँ। उसके अलावा आप किसी बच्चे से पूछो, लोग फ़ोन कर करके बोलते हैं ले लो, मैंने किसी से पूछा हो आज तक? बताओ लेना है लो। मैं तो क्लास में भी बोलता हूँ अगर फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी है तो लो, अगर नहीं ले सकते हो तो यूट्यूब पे पढ़ो, सेल्फ स्टडी में पढ़ो, लेने में कोई बुराई नहीं है, है ना। बाकी जोर ज़बरदस्ती किसी को नहीं है भैया, है ना। आपका भला आप करेंगे मैं करूँगा, है ना। आपका भला आप सोचेंगे मैं सोचूँगा, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है वो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, है ना। और अगर किसी को आज तक ऐसा लगा हो कि मैंने कभी किसी को इंसिस्ट किया है तो इस वीडियो के कमेंट में बताना मुझे, या डिस्कशन ग्रुप में बोलना कि सर आपने या आपकी तरफ से किसी ने बोला हो ऐसा, ठीक है। चलिए, हेल्थ असेंबली इज हेल्ड एनुअली इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, है ना। हेल्थ असेंबली कहाँ पे होता है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और मतलब अच्छी बात यह है कि बिना बोले बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन पे, तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है, है ना। खूब बच्चे हैं सब्सक्रिप्शन पे अपने और बिना बोले आते हैं सब, ठीक है। जिसको आने की ज़रूरत होती है वो अपना अच्छा भला सोच के अपने आप आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, हेल्थ असेंबली इज हेल्ड एनुअली कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इट इज़ अटेंडेड बाई डेलीगेशंस फ्राम ऑल WHO मेंबर स्टेट्स। असेंबली फोकसेज ऑन अ स्पेसिफिक हेल्थ एजेंडा, जो कि कौन प्रिपेयर करता है? एग्जीक्यूटिव बोर्ड प्रिपेयर करता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड प्रिपेयर करता है। सब्सक्रिप्शन के लिए बोलने की जरूरत उन लोगों को पड़ती होगी जिनको अभी भी प्रूव करना है कि हाँ मैं टीचर हूँ, है ना, UPSC का टीचर हूँ, वो इंसिस्ट करते हैं। मैं आपको जानकारी देता हूँ क्योंकि वो रूल है ना, दैट इज़ पार्ट ऑफ द रूल, ठीक है। इंसिस्ट आज तक कभी ना किसी को किया है ना कभी किसी को करूँगी, क्योंकि प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आज यहाँ हैं कल कहीं और होंगे, है ना। अपना वर्थ मुझे पता है ना, और मेरा वर्थ उन एस्पिरेंट्स को पता है जिन्होंने एग्जामिनेशन क्लियर किया है, है ना, जो रैंक लाते हैं, जो इंटरव्यू में 200 से ज़्यादा नंबर लाते हैं, है ना, जो मेंस में फोड़ के आते हैं, उन बच्चों को पता है कि सर ने मुझे क्या दिया है, सर ने हमें क्या दिया है, है ना। तो सब्सक्रिप्शन के लिए इंसिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, है ना। ना आज तक किसी को इंसिस्ट किया है ना कभी करेंगे, ठीक है। ना आज तक कभी इंसिस्ट को किसी को किया है ना करेंगे। बोलना रूल है, वो मैं बोलूँगा, आपको देखना अच्छा लगता है देखिए, नहीं देखना अच्छा लगता हो मत देखिए, है ना। 3 मिनट बाद से शुरू कीजिए और अंत के 3 मिनट भी छोड़ दीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा तो मैं आपके लिए कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन यूट्यूब की भी क्लासेस में नहीं है। जो चीज़ पढ़ाते हैं वो बढ़िया कंटेंट देते हैं, इस लेवल का कंटेंट कोई और टीचर देते हो तो बताइए आप, है ना। पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, हमारा भी है अपना। चलिए,
फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो मेन फंक्शन क्या है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, सबसे पहला फंक्शन है टू डिटरमाइन द पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, संगठन की पॉलिसीज को डिटरमाइन करना, एक डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करना, टू सुपरवाइज फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड रिव्यू एंड अप्रूव प्रपोज्ड प्रोग्राम बजट, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या है, है ना, WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो क्या है, आ जाइए इसको भी समझ लेते हैं, है ना। WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो 34 मेंबर से बना हुआ है, टेक्निकली क्वालिफाइड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, ठीक है, ध्यान रखना ये बेसिकली एक एक्सपर्ट बॉडी है जो टेक्निकली क्वालिफाइड है हेल्थ के फील्ड में, ऐसे लोगों का बॉडी है। तो मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड विल बी इलेक्टेड फॉर 3 ईयर टर्म्स, है ना, 3 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। इनका फंक्शन है टू गिव इफेक्ट टू द डिसीजंस एंड पॉलिसीज ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, फर्दर द बोर्ड विल एडवाइस एंड जनरली फैसिलिटेट द वर्क ऑफ असेंबली। चेयरमैन यहाँ पे कौन होते हैं, इट इज़ हेल्ड इन रोटेशन, ठीक है, ये रोटेशन से लिया जाता है, यहाँ पे चेयरमैनशिप रोटेशन से होती है, और मीटिंग जो है इसकी वो एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर होती है, वंस यूजुअली इन जनवरी एंड देन इन मे, ठीक है। चलिए तो यही है, बाकी मैं PDF दे दूंगा, एक करंट अफेयर्स ये लिथुआनिया वाला और एक दूसरा और है, ये आप अपने से पढ़ लीजिएगा, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी लिथुआनिया का, ठीक है, तो ये आप अपने आप पढ़ लीजिएगा। और ये क्या है, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से संबंधित है, ये आप अपने से पढ़ लीजिएगा, PDF दे दूंगा मैं। चलिए, बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर एवरीथिंग एंड टेक केयर।